रिगार्डिंग द इनकम रिकोगशन यानी कि जो भी एडवांस यहां पर जिसे रीस्ट्रक्चर किया गया है एडवांस जिसे यहां पर रीस्ट्रक्चर किया गया है अगर तो वो स्टैंडर्ड एसेट है यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद भी उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो क्या है स्टैंडर्ड एसेट है तो उसमें आप इनकम को अप्रूवल बेसिस पर यहां पर कंसिडर कर सकते हैं अप्रूवल बेसिस पर कंसिडर कर सकते हैं अक्रूवल बेसिस का मतलब है जैसे ही ये इनकम ड्यू होगी हम इसे अपने खाते में

एडवांस को रीस्ट्रक्चर किया या आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया रेट ऑफ इंटरेस्ट को किया या फिर आपने यहां पर जो रीपेमेंट पीरियड था रीशेड्यूलिंग की किसकी रीपेमेंट पीरियड की आपने मे भी हो सकता है पीरियड को ज्यादा कर दिया हो ठीक है रीस्ट्रक्चरिंग के तहत तो इससे बेसिकली जो फेयर वैल्यू ऑफ एडवांस है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ एडवांस कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास कैश इनफ्लोज आ रहे थे जब आपने कोई लोन एक्सटेंड किया तो आपके पास जो कैश इनफ्लोज आने थे अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप यहाँ पर कर दिया कम ठीक है तो उसके केस में जो आपके पास कैश इनफ्लोज आने थे उनका अमाउंट क्या हो जाएगा अल्टीमेटली कम हो जाएगा लोअर अमाउंट हो जाएगा ठीक है अब इस लोअर अमाउंट के कारण आपकी बेसिकली जो फेयर वैल्यू थी आपके लोन की वो क्या हो गई है कम हो गई है डिमिनिश हो गई है ठीक है तो ऐसी जो वैल्यू कम होती है लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद वो बेसिकली बैंक के लिए क्या है एक लॉस है बैंक के लिए एक इकोनॉमिक लॉस है एंड फर्दर इसका बैंक की इक्विटी की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा ठीक है so सो यहां पर बैंक को क्या करना पड़ेगा इस डिमिनिशिंग वैल्यू को एक साथ डील करने के लिए यहां पर एक अलग से प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांस करने से पहले जब यहां पर रीस्ट्रक्चर एडवांस को अभी किया नहीं है उससे पहले की फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी उससे पहले की फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी एंड जब एडवांस को यहां पर रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है तब की यहां पर जो फेयर वैल्यू है उसे देखना पड़ेगा अब जो भी डिफरेंस होगा इन फेयर वैल्यूज के बीच में यानी कि प्रीवियस फेयर वैल्यू के बीच में एंड रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद की जो फेयर वैल्यू है उसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा इसके रिगार्डिंग बैंक को अलग से एक प्रोविजन जो है वो यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी अलग से यहां पर प्रोविजन बैंक को यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी इस वैल्यू के कम होने के कारण तो यही चीज यहां पर कही गई है डेट सच डिमिनेशन इन वैल्यू इज एन इकोनॉमिक लॉस फॉर द बैंक एंड द बैंक विल हैव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो ये यह यहां पर जरूरी बन जाता है कि ऐसे जो डिमिनेशन है फेयर वैल्यू की जो लॉस है बैंक के लिए इसको यहां पर हम कैलकुलेट करें एंड इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजनिंग है उसे यहां पर बनाया जाए बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऐसी जो भी प्रोविजन होगी जो आप एग्जिस्टिंग प्रोविजन रख रहे हैं यानी कि लोन के ऊपर प्रोविजन आपको मेंटेन करनी पड़ रही है ना चाहे वो स्टैंडर्ड एसेट है चाहे सब स्टैंडर्ड एसेट है चाहे वो डाउटफुल एसेट है ठीक है तो इस प्रोविजन के अलावा आपको अलग से प्रोविजन एक ये क्रिएट करनी पड़ेगी

जो लोन अकाउंट है वो एनपीए क्लासिफाइड है एंड वहां पर जो भी एरियर था इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का उसे पे कर दिया जाएगा तब आप उसे एनपीए कैटेगरी से निकाल सकते हैं एंड स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं लेकिन जहां पर आपका जो अकाउंट है उसे रीशेड्यूल किया गया है या फिर रीस्ट्रक्चर किया गया है जो एनपीए क्लासिफाइड है उसे आप रीक्लासिफाई कब करेंगे जब उसकी परफॉर्मेंस सही रही हो ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि सेटिसफेक्ट्री परफॉर्मेंस रही हो स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान तो उसकी ऑब्जर्वेशन के बाद ही उसे यहां पर रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है